हेलो डियर फ्रेंड्स एंड अ वॉर्म वेलकम। इस वीडियो में आपको मिलेंगे सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी का। इसके ऊपर एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम बीएससी यूजी लेवल और एमएससी पीजी लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ इन एमसीक्यूज को अपने एक पेपर पर भी सॉल्व करते जाएं। माई सेल्फ डॉक्टर तृप्ति मलिक आहूजा, मैं आपकी ट्यूटर, मेंटर और गाइड हूँ सब्जेक्ट बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंसेस के लिए। आई बटन में यहाँ पर और आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेम सेल्स डैट डिफ्रेंशिएट इनटू ऑल सेल लाइनेजेस इज, वो स्टेम सेल्स जो कि सारे सेल लाइनेजेस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन एडल्ट स्टेम सेल, दूसरा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, थर्ड प्रोजेनाइटर सेल्स, फोर्थ मेगा कैरियोसाइट। इसका करेक्ट आंसर है एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल से ही सारे सेल्स, सारे ऑर्गन सिस्टम्स, इम्यून सिस्टम के डिराइव होते हैं। ये स्टेम सेल्स दो तरीके के होते हैं, इनको हम एम्ब्रियोनिक सेल्स में और आगे जाके और टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं जो कि डिफरेंशिएट होते हैं सारे सेल लाइनेजेस में, और जो टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि कुछ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सेल्स आर द एंटीजेनिक रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स, कौन कौन से ऐसे हैं जो जो कि एंटीजेनिक रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं? एक्सेप्ट, यहाँ पे नोट कीजिए, पूछा गया है एक्सेप्ट, इसका मतलब कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो कि एंटीजन रिएक्टिव लिम्फोसाइट नहीं है, बाकी तीन जो है एंटीजेनिक रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं। कई बार जल्दबाजी में हम पहला ऑप्शन देखते हैं और हम वो एंटीजन रिएक्टिव लिम्फोसाइट होगा उसे टिक कर देंगे, पर यहाँ पे पूछा गया है एक्सेप्ट, तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं टी सेल, बी सेल, एनके सेल, मैक्रोफाजेस। तो ये सारे एंटीजन रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं, एक्सेप्ट एनके सेल्स। एनके सेल्स इनको नेचुरल किलर सेल्स भी कहा जाता है, इनको नल सेल्स भी कहते हैं, ये एंटीजेनिक रिएक्टिव सेल्स नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैनिलोसाइट्स डैट कैन नॉट फैगोसिटोइज आर, कैनिलोसाइट्स जो कि फैगोसिटोसिस कैरी आउट नहीं करते हैं वो कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईस्टोफिल्स, नन ऑफ द अबव। इनमें से बेसोफिल्स ऐसे हैं जो कि फैगोसिटिक नहीं हैं, न्यूट्रोफिल्स हाईली फैगोसिटिव हैं, और ईस्टोफिल्स जो हैं वीकली फैगोसिटिक सेल्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर, ऑप्शंस हैं वन थाइमस, टू बर्सा फैब्रिकस, थ्री बोन मैरो, फोर ऑल ऑफ दिस। अब देखते हैं कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जिनको कि PLS भी कहा जाता है, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ये हैं क्या? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं थाइमस एंड बोन मैरो। ये वो वाले साइट्स हैं जहाँ पे कि लिम्फोसाइट्स ये हैं थाइमस यहाँ एंड बोन मैरो। ये वो वाले साइट्स हैं जहाँ पे कि लिम्फोसाइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आके अपने एंटीजेनिक रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं, या हम कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो आके मैच्योर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या हैं? इनमें से कौन से ऐसे हैं जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं? ऑप्शन है लिम्फ नोड, सेकेंड स्प्लीन, थर्ड ऑप्शन है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड कैप्सुलेटेड
ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, या फिर ये नॉन कैप्सुलेटेड लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये एंटीजन के साथ में इंट्रैक्ट करते हैं, सो दे गेट एक्टिवेटेड आफ्टर इंट्रैक्शन विद द एंटीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्टेम सेल्स अराइज फ्रॉम योक सेक, सेकेंड फीटल लीवर, थर्ड बोन मैरो, फोर्थ ऑल ऑफ द स्टेम सेल्स। कहाँ से राइज होते हैं? तो इसमें ऑप्शन फोर्थ जो है वो है करेक्ट है, डेट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, CD3 सरफेस एंटीजन इज एक्सप्रेस्ड ऑनली बाय फर्स्ट ऑप्शन टी सेल्स, सेकेंड बी सेल्स, थ्री मोनोसाइट्स, फोर आर दी ग्रैन्युलोसाइट्स। नाउ ये CD3 सरफेस एंटीजन ये कौन से सेल्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं? सो दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द मैच्योर टी सेल्स। मैच्योर टी सेल्स जो होते हैं ये CD3 सरफेस एंटीजन को एक्सप्रेस करते हैं। सो ये मैच्योर टी सेल्स जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, शायद आपको पता है, ये हो सकते हैं टी हेल्पर और ये हो सकते हैं टी सी सेल्स टॉक्सिक सेल्स, या फिर ये तीसरा हो सकता है टी सप्रेसर सेल्स। तो इन सब में ही CD3 प्रेजेंट होता है, TH सेल्स में भी, टी सी सेल्स में भी और टी सप्रेसर सेल्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, आप ध्यान से सुनेंगे इसे। CD8 सरफेस एंटीजन इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन है हेल्पर टी सेल, डिलेट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल्स, बोथ ऑफ द अबव, फोर्थ नन ऑफ द अबव। ये CD8 सरफेस एंटीजन किन सेल्स पे प्रेजेंट होता है? नाउ इनमें से कोई भी इसे फुलफिल नहीं करता, सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? एक्चुअली जो CD8 होता है वो प्रेजेंट होता है किस पे? TC पर, और टी सी मतलब टी साइटो टॉक्सिक सेल्स और टी सप्रेसर सेल्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है। सो CD8 पॉजिटिव सेल्स आर TC सेल्स एंड TH सेल्स, वाइल CD4 पॉजिटिव सेल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं टी हेल्पर सेल्स और टी DTH सेल्स, जो कि हेल्पर सेल्स का ही सब टाइप है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, AC rosettes आर formed by, दिस अ वेरी टिपिकल न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही कम बुक्स में आपको ये AC rosettes एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑप्शंस हैं टी सेल्स, बी सेल्स, मोनोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। नाउ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी सेल्स। नाउ ये है क्या? ESC rosettes है इरेथ्रोसाइट एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट रोजेट। जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए रिसेप्टर्स? दे हैव द रिसेप्टर्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। C3 कंपोनेंट होता है कॉम्प्लीमेंट का, उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं किसके पास? बी लिम्फोसाइट के पास, सॉरी। सो इस रिसेप्टर की वजह से जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट C3b को बाइंड करते हैं और उसकी वजह से C3 को कॉम्बाइंड करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? शीप RBCs जो होते हैं वो एग्रीगेट करते हैं और इसके बाद में ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है जब इनको बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के साथ में रिएक्ट किया जाता है। सो द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज द सेकेंड बी सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, वॉल्टेयर्स रिंग इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, टर्शियरी लिम्फॉइड ऑर्गन, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्टेयर्स रिंग होता क्या है। वॉल्टेयर्स रिंग एक्चुअली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि पार्ट है नाल्ट का। अभी नाल्ट क्या है? नाल्ट है नेजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। नेजल मतलब नोस, नोस के साथ में जो लिम्फॉइड टिश्यू एसोसिएटेड है, ये एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का टाइप है जिसमें तीन तरह के
टॉन्सिल्स होते हैं। तो ये वॉल्टियर रिंग्स जो है तीन तरीके के टॉन्सिल्स से बना हुआ है। कौन से टॉन्सिल्स हैं? दीज आर दी फेरेंजियल टॉन्सिल्स, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स एंड दी लिंगुअल टॉन्सिल्स। सो इसको करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। पेरी आर्टोरियल लिम्फेटिक शीथ पाल्स इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्शंस एंडोथीलियल सेल्स, BNT सेल्स, थर्ड ऑप्शन इंट्रा एपिथीलियल सेल्स, फोर्थ ऑप्शन इज दी मैक्रोफाजेस। नो, ये पाल्स क्या होता है और ये कहाँ होता है? एक्चुअली ये पाल्स होता है कहाँ पे? स्प्लीन में। स्प्लीन जो है दैट इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन, इट इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब स्प्लीन जो है वैसे लिम्फ नोड्स में क्या होता है, जब लिम्फ एंटर करता है तो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू एंटर करता है, बट स्प्लीन में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। स्प्लीन में स्प्लीनिक आर्टरी एंटर करती है, लिम्फोसाइट्स को लेके आती है और फिर डिवाइड करती है, फिर दोबारा डिवाइड करती है, सब डिवाइड करती है। इसकी वजह से स्मॉलर ब्रांचेस बन जाती हैं, इन ब्रांचेस को बोलते हैं PALS। सो दे PALS क्या होता है? इट इज रिच इन दी टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। सो द ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑर्गन इज कॉल्ड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी? किस ऑर्गन को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है? ये थ्रोन जो है कुछ नई टर्म है। इस थ्रोन का मीनिंग है कि जहाँ पे ट्रेनिंग ली जाती है, ट्रेनिंग स्कूल को थ्रोन बोला जाता है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है थाइमस। अब थाइमस करेक्ट क्यों है? ऑप्शंस बाकी ऑप्शंस है बोन मैरो, थाइमस, हार्ट, ब्रेन। तो थाइमस करेक्ट क्यों है? थाइमस एक बाइलोब्ड ऑर्गन है जो कि लोकेटेड है हार्ट के पास में, ब्रेस्ट बोन के नीचे। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स जो हैं मैच्योर होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ दी टी लिम्फोसाइट्स। सो दीज वर दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ दी इम्यून सिस्टम। आई होप कि ये आपकी स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। बाय एंड टेक केयर।